नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। शिक्षा प्रवाह में इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्लास 11th की मैथ्स सब्जेक्ट जिसका कोड है 049 की आंसर की को। बेटा ये इवनिंग शिफ्ट में अभी आपका एग्जाम हुआ है, ये उसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन पेपर आप लोग सभी अपने पास रखेंगे और आंसर्स को टैली करते जाएंगे। इसी के साथ वीडियो शुरू करूं उससे पहले, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी तरह की अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की आंसर कीज, मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर, CBSE अपडेट और डेट शीट इत्यादि के लिए। तो शुरू करते हैं बेटा, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी, सिक्स का ए, सेवन्थ का सी, एट्थ का ए, नाइन्थ का सी और टेंथ का बी, इलेवेंथ का ए, ट्वेल्थ का डी, थर्टीन का बी, फोर्टीन का ए, फिफ्टीन का बी, सिक्सटीन का ए, सेवनटीन का बी, एटीन का सी, नाइनटीन का डी, ट्वेंटी का डी। इसके बाद बेटा अब आपके दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे किस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखिए कोई जो क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर कितना आप करोगे तो उस पर कितने नंबर मिलेंगे, वो पूरा का पूरा इस मार्किंग स्कीम में दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपने जैसे पूरा सॉल्व नहीं किया है, पूरा आंसर तक नहीं किया है तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना करोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे और यही इस मार्किंग स्कीम की खासियत है कि आपको पता चल जाएगा कि कितना करने पर कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में यही रहता था भाई मैथ्स का क्वेश्चन अगर करा है, पूरा करा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं किया है, आधा छोड़ दिया है तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। लास्ट में वापस से कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिए आप लोग। तो ये था बेटा सॉल्यूशन आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम पेपर का। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा और आप इसको अपने दोस्तों के तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पर सेट करेंगे, हाँ, और अपने मार्क्स कितने बन रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में।